में है क्या, मनुष्य योनि में एक मनुष्य में है क्या जिस कारण उसको जीना संभव है? एक देह है, उसमें प्राण बसता है जो चलते हैं। ये सब को परख कौन करता है? मन। उसमें एक अहिंग है मन में, वो तो होना ही पड़ेगा, जो समझेगा ये प्लेजर है ये पेन है, ये पथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अब जब अहिंग समझने लगता है, देह भी मेरा, ये मन भी मेरा, प्लान भी मेरा, सब मेरा, अब प्राण कहाँ गया उसकी खबर नहीं है। जब मन प्राण से बहुत दूर, उसकी खबर नहीं है, लेना चाहता भी नहीं है, मैं ये देह, ये मेरी संपत्ति है। संपत्ति तो अर्जित किया जाता है समाज में, देह अर्जित किया है क्या? तो देह पे जो अनुष्ठान घटित होता है हर क्षण हर पल, अर्जित किया है क्या हम? सोचो सोचो, क्या सोचोगे? यही तो समझ नहीं आया। इसी सब गलत सोच विचार करने वाला मन से समझ व्यवस्था बनी हुई है। जो समझ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, समझ व्यवस्था तो वही रूप होगा, हवा, भूमि, जल, सूर्य, इसमें योग की कैरेक्टर नहीं बसते। योग की कैरेक्टर मनुष्य मन में बसते। वो कितना कलुष है, कितनी मैपन में, कर्तभाव में भरे हुए है, प्राण को तिरस्कार किए है, सिर्फ मैं को पकड़ के चलना चाहा, इतनी दलन किया है प्राण को, ईश्वर को, अपनी भावना से कुचलते गया किसको? अपना प्राण को। उसी की डिस्ट्रक्शन की छवि है ये कलियुग की पृथ्वी। सिर्फ मैं जो चाहूं वो होना चाहिए, बाकी कहीं पर जाए, आई डोंट केयर। मेरी केयर उतना तक, मैं और मेरा जहां तक बसते हैं। ये भावना की कलुषता आज इस समय तक लाया। ये तो वो भगवान की, वो परम की दीन है, प्रेम है उनकी क्रिएशन से, जो एक ब्रेक लगाया है ये भयंकर अवस्था में, एक मृत्युदायी अवस्था में ब्रेक लगा के समझा रहा है, तुम इतना ज्यादा प्राण को स्टीयर मत करो तुम्हारी अहंकारी मन से, तुम खुदा मत बनो। यू आर जस्ट नो वन, तुम्हारी सम वननेस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, इसलिए ये सम वन से उतराओ, तुम्हारी मैपन से उतरने की रास्ता एकमात्र एकमात्र गुरु जो अवस्था है, जो प्राण की घर से शब्द से तुम तक पहुंचता है, शरीर की प्रेजेंस से तुम्हें वहां पहुंचाते हैं, जोन अलग कर देता है सानिध्य में, कॉन्स्टेंटली झोंके रहे मन तुम्हारी, तब ये दीन घूमेगा, ये काल चक्र घूमेगा। मन में बसता है तुम्हारी काल।